प्रीता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में गवाही देने आई महिला और आरोपी के परिजनों के बीच हुई जमकर मारपीट। उत्पाद विभाग की टीम ने कन्होली मठ शारदा नगर में छापेमारी कर किराए के मकान से किया शराब का जखीरा। और केजरीवाल अस्पताल में इलाज के लिए आए एक साथ जन्मे चार बच्चों को देखने के लिए भीड़ जुटी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबर विस्तार से। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में गवाही देने आई महिला और आरोपी के महिला परिजन के बीच जमकर मारपीट हुई। ये हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक चला। सिविल कोर्ट परिसर में मंगलवार को दो पक्षों के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने पहुंची महिला के साथ दूसरे पक्ष के द्वारा कई संगीन आरोप लगाते हुए हाथापाई करते हुए महिला के साथ जमकर मारपीट की। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मियों और अधिवक्ता के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। दरअसल बेतिया की रहने वाली महिला ने बताया कि आज से 5 माह पूर्व उसने करजा थाना में एक केस दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी युवक उससे देह व्यापार का धंधा करवाना चाह रहा था। पिछले साल नवंबर महीने में आरोपी व युवक उसे लेकर देह व्यापार करवाने लेकर जा रहा था। तभी वह करजा थाना के निकट गाड़ी से कूद गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। वह अभी भी जेल में बंद है। इसके बाद से आरोपी के परिवार वाले उसे तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। मंगलवार को कोर्ट में उसी केस के सिलसिले में आई थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें दबोच लिया, जमकर पिटाई भी कर दी। आरोपी ने उसे झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया था। उससे देह व्यापार करवाना चाह रहा था, जिसके बाद वह उसकी चुंगल से भाग निकली। उसका भाई गाड़ी चलाता था, उसी में रूम लिया था, ठीक है। ये हमारा भाई, इसका भाई हमसे प्यार मोहब्बत के जाल में पड़ाया, उसके बाद में हमसे धंधा करवा रहा था। लेकर के गया हमको वैशालीगढ़ पे, हमको पसंद नहीं था। हम गाड़ी पर कूदे कूदे, आदमी सब वहाँ 75 आदमी पब्लिक देखा, वो भी न्यूज आयल था। गाड़ी से कूद के आगे, गाड़ी से कूदे हुए थे, न्यूज आ करजा थाना गए हुए थे। हम ही थे, हाथ में मेरा पट्टी वट्टी लागल था, आप लोग तो देखे। कोर्ट में हम आए, सारा चीज प्रूफ हो गया, पूरा हमारा मेडिकल हुआ, मेडिकल भी आया, टोटल आया। मेरा चार्जशीट आ गया था, कुछ के नोटिस मेरे घर पर गया था। कोर्ट में बोला था, कोर्ट में बलाहट हुआ था, तो हम कोर्ट में आए हुए थे इसी के लिए। तो ये लोग हमको घेर करके रोड पर से धमकी दे रहा है, मारने के लिए, सब मारपीट करने के लिए, जबरदस्ती ये लोग ले जाने के लिए। हम जाना नहीं चाहते हैं, ये लोग हमको जबरदस्ती बाल धके घिसता है, देह धके घिसता है ले जाने के लिए। हमारे बाप मतलब अरेंज मैरिज कर दिया, उसके बाद में उससे निकले। हम कोर्ट से भी आदेश लिए कि मेरा शादी परिवार करना चाहता है। कोर्ट बोला कि हाँ कर सकती है। हम कोर्ट से आदेश लेकर के हमारा अरेंज मैरिज शादी हुआ। अभी लोग मेरा हस्बैंड को भी मारना चाहता है, हमको भी मारना चाहता है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि युवक को झूठा केस में फंसाकर जेल भेजा गया था, जबकि दोनों शादी कर चुके थे। महिला उनके परिवार की बहू है। खेल रही है, इसका पैसा 4-5 लाख रुपया उसके लिए लूट करके बर्बाद कर दी। दोस्त यार के चक्कर में मेरा भाई धंधे वाली है, ये लड़के भी अभी बेपार करती है। एक रात से दो रात के लिए 10-20 हजार रुपए लड़की लेती है। ये अच्छा मोटा घर पार्टी का पकड़ती है, ये छोटा मोटा नहीं पकड़ती है। अभी कहाँ है आपका भाई? मेरा भाई जेल में है, अभी 3 महीने से। हमारी बहू लगती है, मकान मिर्जापुर। इनका आरोप लग रहा है, बहुत सारा आरोप लग रहा है, क्या बात है? सब गलत आरोप लगा रही है। और ये बोली कि हमारे नाम से जमीन लिखो है। आई भागदौड़ में रहती थी, तो उसके साथ साथ मेरा लड़का भी इसको कंट्रोल करने के लिए लाता था। आई भाग पड़ाती थी है, लेकिन ये अपने नजदीकी नहीं रहा। उसको स्मैक की क्या कहता है, हम लोग तो न देखे हुए न जानते हैं। उसको ये फंसा उसा करके, और उसका जितना रुपया था उसके पास में, घर का रुपया लेके बर्बाद करवा दिया।
न्यायालय का काम है, जो जैसा वह बयान देगी, और उस पर डर था कि कहीं ये लोग हत्या करा देंगे। हलचल मचा कोर्ट में, और वो न्यायालय में आई थी कि हम अपने तरफ से जो बयान देना है लिखित बयान देंगे, कि हमको उसके साथ नहीं रहना है, और ये लोग हमारा मानसिक और बहुत तरह से प्रताड़ित करते हैं, जिस कारण हमारी हत्या किसी के माध्यम से अपहरण करके करा सकते हैं। इसीलिए वह उन्होंने अपना आया था न्यायालय में अपने पति के साथ कि हम लिखित बयान दे देते हैं, लेकिन आज बयान के जरिए वो पीछा पड़ा हुआ था, उनके परिजन माता पिता बहन थी ये सब मिल करके, और उस सब से संलिप्त था, जिन्होंने जो है सो इतनी भीड़ हो गई किसी तरह हम बीच बचाव करके उसको सुरक्षित धक्का मुक्की उसके साथ किया गया है, और उसके साथ बस सलूकी भी किया गया है, जबकि कोर्ट परिसर में महिला पुलिस और जो भी पुलिस लोग हैं मुख दर्शक देख रहे थे उसकी, अगर इस तरह की कई बार घटना हो चुकी है कोर्ट परिसर में, गोली भी से कस्टडी में मारा गया है, और कई बार जो है सो सीजीएम साहब के यहाँ भी बम चला था। उत्पाद विभाग की टीम ने मिठनपुरा इलाके के शारदा नगर मोहल्ले में छापेमारी कर एक बंद घर से भारी मात्रा में शराब जब्त की। मकान मालिक समेत चार के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी। बिहार में शराब बंदी को लागू हुए 5 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी शराब का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। पकड़ने के बाद कार्रवाई भी होती है, लेकिन कारोबारी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दरअसल जिले में अगर आप किराए पर दे रहे हैं घर तो हो जाइए सतर्क, क्योंकि शराब माफिया रिहायशी इलाके में किराए पर घर लेकर शराब गोदाम बना दे रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम जब मिठनपुरा थाना क्षेत्र के एक बंद घर में रेड मारी तो बंद कमरे में शराब भरी पड़ी थी और वह घर शराब गोदाम की तरह दिख रहा था। जब छानबीन शुरू की गई तो पता चला कि 65 वर्षीय प्राइवेट टीचर के घर है जो किराए पर दे रखे हैं। वो अलग रहते हैं और पिछले 1 वर्ष से किराए पर घर दे रखा है। इसके बाद उत्पाद विभाग ने शराब माफिया किराएदार एवं मकान मालिक समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर की जवानी। थाना क्षेत्र के शारदा नगर लेन नंबर 2 में स्थित एक घर से शराब बरामदगी की गई है। इसमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शराब की बड़ी खेप एक घर में शारदा नगर के एक घर में मंगाकर रखी गई है, और जो कारोबारी हैं उन्होंने घर को ताला लगाकर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह की सूचना पे अधीक्षक मद्य निषेध को जानकारी देते हुए और पहले घर को चिन्हित किया गया, और उसके बाद जब घटनास्थल पर टीम पहुंची तो घर लॉक था। काफ़ी इंतज़ार किया कि कोई व्यक्ति घर के अंदर से आए, जब किसी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं महसूस हुई तो संबंधित आस पड़ोस के लोगों के सामने घर के अंदर टीम गई और खिड़की से झांकने पर एक कमरे में शराब की बड़ी खेप रखी हुई दिखी। इस मामले में जो घर के मालिक हैं उन पे अभियोग दर्ज किया गया है, साथ में ही उनसे बातचीत में पता चला कि उन्होंने किराए पे मकान दिया हुआ है, तो जो किराएदार है वो भी काफ़ी समय से उस घर में रहता है, तो उस पे अभियोग दर्ज हुआ है, और उसके सिंडिकेट के 2 लोगों का और नाम पता चला शुरुआती तौर पे, तो उन सभी का नाम इस अभियोग में दर्ज किया गया है। कुल 4 लोगों पे अभियोग दर्ज किया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तुर्कियोपी क्षेत्र के लादौरा गांव में शौच के लिए जा रहे एक वृद्ध व्यक्ति को आवारा कुत्ते ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिले में आवारा कुत्तों का दहशत जारी है, प्रतिदिन कहीं न कहीं से कुत्ता काटने की घटना सामने आ ही जाती है। स्थिति यह है कि सदर अस्पताल में प्रतिदिन दर्जनों से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला तुर्कियोपी क्षेत्र के लदौर गांव की है, जहां शौच के लिए जा रहे वृद्ध व्यक्ति आस मोहम्मद को कुत्ता ने काटकर लहूलुहान कर दिया। स्थानीय लोगों के जुटने पर कुत्ता भागा। आनन फानन में लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां आस मोहम्मद का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने बताया कि आज सुबह वह शौच के लिए गांव के समीप खेत में जा रहे थे, इसी क्रम में कुत्ता ने पीछा कर काट लिया। कुत्ते ने उनके पैर के कई जगहों पर काटा है, जिससे वह काफी गंभीर होकर खेत में ही गिर गए, जिसके बाद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। गए थे खेत में घूमने, आ रहे थे उधर से, बस कुत्ता एक था वही काट लिया। कहाँ की घटना है ये? लदौरा का। थाना कौन सा पड़ता है? कुरहनी। कैसे काटा है बताया है, किस वजह से? वो लगभग 10 बजे जी बता रहे हैं, शौच के लिए गए थे तो। हाँ, तो वही खेत में गए थे।
कितना कुत्ता था? एक कुत्ता था, मतलब पाला वाला कुत्ता था या? नहीं नहीं, ऐसे पालतू वाला कुत्ता था। तो और भी गांव में ऐसे किसी लोगों को उससे पहले भी काट चुका है? इससे पहले तो अभी नहीं, बगल के गांव सुमेरा है उसमें काट लिया। किस तरीके से काटा है? वो तो मैं लोग देखा नहीं, वो तो अकेले थे। कहां कहां काटा है? वो पैर में काटा था। कितने जगह? एक ही जगह, बहुत ज़्यादा काट लिया है। बहुत डेंजर है। यहाँ पे इलाज किए हुए हैं? यहाँ तो कैसे पहुँचे हैं? बाइक से लेकर आए। पश्चिमी बंगाल के रहने वाले नूर मोहम्मद पिछले 4 वर्ष से मुजफ्फरपुर जेल में सजा काट रहे हैं। परिजनों ने तो इन्हें मृत समझा। जब पता चला कि ये जेल में बंद हैं, तो पूरा परिवार मुजफ्फरपुर आया। परिवार वाले 4 साल से जिसे मृत समझ रहे थे वह मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद है। घर वालों ने तो उन्हें मृत मानकर आस ही छोड़ दी थी, लेकिन अचानक से उनकी ज़िंदगी में भूचाल आ गया जब पता लगा कि वे जीवित हैं और जेल में बंद है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के बोरवा थाना के मुर्शिदाबाद के रहने वाले नूर मोहम्मद की। वह पिछले साल मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में 4 साल से बंद है। अब उनके परिजनों को इनकी जानकारी लगी है कि वे जीवित हैं। नूर मोहम्मद के पुत्र जलील खान अपनी पत्नी बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं। जेल में बंद अपने पिता से VC के माध्यम से मुलाकात भी की, खुशी से झूम उठे जब पिता को सामने देखा। अब नूर मोहम्मद के जमानत की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दरअसल 4 साल पूर्व जिले के हथौड़ी थाना की पुलिस ने उसे बच्चा चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद से वे जेल में ही हैं। आज तक कोई भी खोज खबर लेने नहीं गया क्योंकि परिजन को उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वे लोग तो उन्हें मृत समझकर जीवन जीने लगे थे। अधिवक्ता होमा परवीन ने बताया कि DLSA द्वारा उन्हें 3 महीने पूर्व नूर मोहम्मद के केस की पैरवी करने को कहा गया था। इसके बाद उन्होंने केस से संबंधित कागजातों को खंगाला। इसमें सबसे बड़ी परेशानी थी कि नूर मोहम्मद के राज्य का नाम नहीं लिखा हुआ था। इसके बाद वे जेल में से उनसे मिलने गई, लेकिन उनकी भाषा ना तो वे समझ पा रही थी ना उनकी भाषा नूर समझ पा रहा था। फिर भी वह जो बोल रहा था उसे वह डायरी में लिख रही थी। इस दौरान वह रोने भी लगा था। बड़ा खुश हो गया था, दिल हो गया था। 5 साल पहले पापा का सत्कार मिलेगा, हो गया मुझे। पापा रो रहा, मेरे हो, मैं भी हो रहा। आज तो पापा का दिल हो गया, इतनी ज़्यादा खुशी हो रहा। दीदी को धन्यवाद कैसे देगा इसको मैंने मालूम नहीं कि दीदी के क्या बोलेगा। दीदी को बड़ा खुश करेगा। उम्मीद था मिलने का? हाँ जी, उम्मीद था पहले मिलने का। पहले मिलने का नहीं था, अब तो मिल गया। अब तो मिल गया। आप लोग मान चुके थे कि उनके पापा का? आपका जरूरी था। आपको क्या लगा था, मतलब जब आप काफ़ी खोजबीन किए तो फिर आप आशा छोड़ चुके थे? मौत हो गया ऐसे मालूम हो गया। आप लोग अंतिम संस्कार भी किए थे क्या? उनका मतलब दाह संस्कार किया था? किए थे क्या पिता का? हाँ, दाह संस्कार कर दिए थे? कर दिए थे। अच्छा, माता जी जीवित हैं? माने पापा के गायब होने के कितने साल बाद? 2-3 साल बाद। 3 साल बाद माता जी का देहांत हो गया। अच्छा, अभी घर में कौन कौन लोग हैं? मेरा 6 बहन, 3 भाई और कुछ नहीं। आप क्या काम करते हैं? और मजदूरी का काम करते। और ये क्या करते थे पापा? आपके क्या काम करते थे पिताजी? यहाँ पर किस काम से आए हुए थे? थोड़ी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो ग्रेन का प्रॉब्लम हो गया तो पैदल से आ गया। इसमें बेल करवा दिए हैं, आज बेल हो गया है और अभी छूट करके आएगा जेल से नूर मोहम्मद का। कितनी इसमें टेक्निकली काफ़ी मेहनत करना पड़ा? बहुत मेहनत करना पड़ा है। 3 महीने जब से ये केस मिला है तो राज ही मेन जो नहीं था, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि क्या हम फाइल करें, केस कैसे फाइल करें, बेल कैसे जमा करें, उसका करवाएं। तो खैर 3 महीने से वो नेट पे सर्च करते करते राज्य त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल में सर्च करते करते खैर मिल गया वहाँ की प्रशासनिक सहायता से मिल गया। और अब उसकी फैमिली से कॉन्टेक्ट हुई, फैमिली भी यहाँ आ गई है। अभी ये फैमिली है, ये उनके बेटा है, इसका नाम है जलील खान, और ये दोनों बेटी है जो बच्चे के साथ अपने आई है और यहाँ पहुँच गई। कल सुबह में पहुँची है और कल ही इसको ले जा करके जेल पर मिलवा दिए हैं उसके पिता से। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रोने लगे, बहुत खुश हुए और मुझे भी बेहद खुशी हुई कि मैं मेहनत की तो सफल हुई। कितना टाइम ड्यूरेशन लगा था इस पूरे कार्यकाल? हमको 3 महीना से इसमें लगे हुए हैं और इधर लगभग 10 दिन से बिल्कुल सुबह शाम एकदम
टाइम पर खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं, एकदम टेंशन बना हुआ था कैसे इसको निकाले हम, इसका कैसे कंफर्म करें इसका एड्रेस। किस थाना का मामला था? हथौड़ी थाना। क्या परिचय हुआ अपना? जमानत किसी शर्त पे मिला है या फिर? जी जमानत मिला है कि हर डेट जो इस पे डेट पड़ेगा उस पे इसको लाना है, आ जाएगा डेट पे और 5,000 का एक अर्थदंड। पटना बालिका गृह मामले में आनंद कुमार झा ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में कई गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम सहित कई अधिकारियों पर परिवाद दायर किया है। अपर न्यायालय पश्चिमी के न्यायालय में मंगलवार को बालिका गृह गायघाट पटना के संचालक वंदना गुप्ता, विभाग के निदेशक राजकुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वर्तमान पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ कांटी प्रखंड के पकड़ी जलाल गांव के आनंद कुमार झा ने परिवाद दर्ज कराया है। इस मामले में वादी आनंद कुमार झा ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, एक न्यूज चैनल पर प्रसारित बालिका गृह गायघाट पटना में रह रही युवतियों के बयान को देख, जिससे युवतियों ने कहा हम लोगों को मादक पदार्थ खिलाकर गलत कामों के लिए बड़े नेता या बड़े पदाधिकारियों के यहाँ भेजा जाता है, मैं अगर वहाँ नहीं जाना चाहती तो हम लड़कियों को मार पीट कर नींद की गोली खिलाकर वहाँ उन लोगों के पास पहुँचाया जाता है और हम लोगों के साथ वे लोग गलत करते हैं और इसकी आवाज़ उठाने पर जान मारने की धमकी और प्रताड़ित करते रहते हैं, जिससे आहत होकर परिवाद दायर कराया गया है। पटना के गायघाट में स्थित बालिका गृह कांड हुआ है, जिसमें बच्ची के द्वारा बयान मीडिया को बताया गया है कि जो उनके साथ शोषण हो रहा है, नशीली दवाओं को खिलाकर उनके साथ गलत किया जाता है। उस न्यूज के बाद हमने परिवाद दायर किया है, जिसमें वंदना गुप्ता संचालक बालिका गृह, राजकुमार निदेशक समाज कल्याण बिहार पटना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार पटना, तत्कालीन डीएम चंद्रशेखर सिंह पटना को हम अभियुक्त बनाए हैं। इनके द्वारा जो है सो इनके संरक्षण में सभी लोगों के सभी बच्चियों के साथ गलत किया जाता है और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी ओर उन्हीं के संस्था में बच्चियों के साथ गलत होता है और महिलाओं के साथ शोषण होता है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके विभाग के द्वारा लेपापोती किया जाता है। वहीं इस मामले में अधिवक्ता मनीष कुमार ने बताया कि परिवार की तरफ से लगाया गया आरोप बहुत ही गंभीर है, जिससे धारा 366, 354, 27D, 376, 313, 120B, 323, 302, 307 IPC के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है। इस मामले में न्यायालय गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की अगली तिथि 16 फरवरी 2022 को रखी है। न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी के यहाँ एक आनंद कुमार झा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक परिवाद दायर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो पूर्व में 31 तारीख को जो दिखाया गया है कि लड़की ने रो रो करके निकल करके किसी तरह जो मीडिया के माध्यम से बताई है, जो वंदना गुप्ता हैं वह संचालिका हैं बालिका गृह के, और इसमें तीन मुख्य रूप से चार जो है सो मुख्य रूप से अभियुक्त बनाए गए हैं, एक वंदना गुप्ता हैं, राजकुमार विभाग निदेशक हैं पटना, और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, और चंद्रशेखर सिंह जो वर्तमान DM पटना है, ये इन लोगों के ऊपर मुकदमा लाया गया है। इसमें अगली सुनवाई 16/2 को रखी गई है। कौन कौन सी धारा लगाई? और इस धारा में जो परिवर्तन किया गया है, इसमें मुख्य रूप से धाराएं हैं 366, 354, 27B, 376, 313, 120B, 323, 324, 302, 307 IPC के तहत दर्ज किया गया है और अगली सुनवाई 16/2/2022 को रखी गई है। इसमें ये है कि इनका जो बच्चियों को मादक द्रव्य मतलब पदार्थ खिला करके उसके बाद उसके यौन शोषण या बड़े नेताओं के बड़े पदाधिकारी के यहाँ भेजा जाता है, अगर वह नहीं मानती है मारपीट करके उसे नींद की गोली खिला करके और उसके साथ जबरन सेक्स कराया जाता है।
कई महीनों से लंबित भुगतान राशि निर्गत कराने को लेकर होमगार्ड के जवानों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बाढ़ के समय बांधों की सुरक्षा के लिए तैनात होमगार्ड के जवानों को कई महीने बीत जाने के बाद भी आज तक किए गए काम का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे लेकर मंगलवार को होमगार्ड जवानों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जल्द से जल्द भुगतान की मांग की। होमगार्ड जवान राम पुकार सहनी ने बताया कि वर्षा ऋतु में बांधों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने खुले आसमान के नीचे बारिश में खड़े होकर बांधों की सुरक्षा की है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक उन लोगों के लिए किए गए कार्य का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे लेकर उन लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप जल्द से जल्द भुगतान की मांग की है। आपदा प्रबंधक और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट द्वारा 2020 में से हम लोग को बांध सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया था। 4 माह से हम लोग ड्यूटी किए और 20 महीना बीत जाने के बाद भी 344-345 जवान मुजफ्फरपुर जिला से जवान लोग निरीक्षक लोग ड्यूटी किए हुए हैं और 20 महीना बीत जाने के बाद भी आज तक हम लोगों का भुगतान श्रीमान नहीं मिल पाया है। और इसी में से कोरोना से ऐसे हम लोग 2020 से ऐसे अभी तक जूझते रहे थे कि बाढ़ इलाका में हम लोगों का घर द्वार पड़ता है और बाढ़ से भी पूरी तरह प्रभावित होने के कारण हम लोगों का आर्थिक स्थिति इतना ऐसे डूब चुके हैं जो कि हम लोगों का ऐसे कोई सहारा नहीं है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला है। हम मांग कर रहे हैं डीएम मांग यही है कि हम लोगों का जो मैंने बांध सुरक्षा ड्यूटी में जो 4 महीना जो ड्यूटी किए हुए हैं उसका भुगतान किया जाए। अब रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ओके हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कार्पेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेंपल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेंपल, ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे इन द। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and Target. अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस
For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiya Ganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन। न्यू जीरो माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सज्जन से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दे। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में है। टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10,000 से 15,000 की खरीदारी पर मेटल ईयर फोन, 15,000 से 25,000 की खरीदारी पर वीवो बैग और 25,000 से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनेंस की सुविधा में जिस मनी भी फिनेंस करती है, एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनेंस मिलेगा जिस मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर यह सुविधा अभी भी नहीं है, ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। केजरीवाल अस्पताल में इलाज के लिए आए एक साथ जन्मे 4 बच्चों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। जुरन छपरा स्थित केजरीवाल अस्पताल में मंगलवार की सुबह से ही कर्मचारी हो या अन्य मरीज के परिजन, सभी कोई आश्चर्यचकित रहे, क्योंकि एक मां ने 15 साल बाद एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। और जन्म के बाद सभी बच्चों को बेहतर इलाज के लिए केजरीवाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल मोतिहारी जिले के शंकर सरैया गांव निवासी चंदन कुमार सिंह और उषा देवी की शादी 2007 में हुई थी। शादी के बाद कई वर्षों के बाद भी जब उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्होंने मोतिहारी में डॉक्टर ज्योति झा के निजी अस्पताल में IVF तकनीक से संतान प्राप्ति का प्रयास किया।
शादी के 15 साल के बाद उषा देवी को सोमवार की देर रात 4 बच्चों को जन्म दिया। 3 लड़के और 1 लड़की का जन्म ऑपरेशन के बाद हुआ। चारों बच्चों का वजन बेहद कम होने और तबीयत खराब होने के बाद परिजनों ने मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल केजरीवाल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया है। इलाज कर रहे डॉक्टर चिन्मय शर्मा ने बताया कि 4 बच्चे मोतिहारी जिले से आए हैं, चारों भर्ती हैं, सभी का इलाज चल रहा है। समय से पहले बच्चों का जन्म हुआ है, सभी बच्चों की हालत में सुधार हो रही है, पर इलाज के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 4 बच्चे भर्ती हुए हैं, ठीक है, रात में भर्ती हुआ है। चारों लो बर्थ वेट बेबी है, चारों ऑक्सीजन पे है। 1 बच्चा जो है पहली लड़की है, 3 लड़के हैं और चारों लो बर्थ वेट में है। 1 का 600 ग्राम है, 1 का 1 केजी 300 ग्राम है, 1 केजी 700 ग्राम है, 1 केजी 400 ग्राम है। अभी चारों ऑक्सीजन पे है, 1 उसमें सांस की छोटी वाली मशीन पे है, सीपैप पे है, अभी ऑक्सीजन पे है, तो चारों गंभीर अवस्था में है, देख रेख किया जा रहा है। सर, 1 साथ 4 बच्चे को कुछ अजूबा सा नहीं लग रहा है? ये अजूबा है, रेयर तो है, लेकिन ऐसा पाया जाता है, ऐसा रेयर तो है लेकिन बहुत सारे में देखा गया है, और बचने की प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन अभी सीरियस है। चारों मशीन पे है, चारों ऑक्सीजन थेरेपी चल रहा है उसका, अभी स्टेबल है बट क्रिटिकल। जी, बताया जा रहा है कि 10 साल के बाद पहला इशू हुआ। हाँ, ये ट्रीटमेंट के बाद शायद हुआ है, तो अभी देखते हैं। अभी तो चारों हम बच्चे के तरफ से बता सकते हैं कि चारों गंभीर है लेकिन स्टेबल में है। वहीं बच्चों के चाचा ने बताया कि भैया और भाभी की शादी के 15 साल के बाद बच्चे हुए हैं, जिसे परिवार में बेहद खुशी का माहौल है। बच्चे की माँ मोतिहारी में भर्ती है और बच्चे मुजफ्फरपुर में भर्ती हैं। जी, 2017 के करीब हुआ और आपको 15-16 साल के उपरांत बच्चा का डिलीवरी हुआ। लगता है 1 साथ 4 बच्चे हुए, मतलब अजूबा तो लग रहा है। खुशी जी, खुशी तो खुशी जी, खुशी तो है। क्या क्या हुआ है बच्चा? 3 लड़का है और 1 लड़की है। अभी थोड़ा स्थिति गंभीर बनी हुई है। हाँ, अभी तो स्थिति गंभीर बनी हुई है। कब यहाँ लाए थे? कल शाम को हम लोग लाए थे। वहाँ से रेफर किया गया? हाँ, वहाँ से रेफर। डिलीवरी डॉक्टर ज्योति झा के पास, उन्हीं का इलाज सब चल रहा था, और कल जब अच्छी वो ऐसा फीलिंग हुआ तो हम लोग लेकर आए वहाँ पे। वहाँ पर देखे ओखे तो बोले कि ऐसा ऐसा काम है, डिलीवरी होने वाला है, तो ऑपरेशन के थ्रू उनका डिलीवरी हुआ। पहले से जानकारी नहीं थी कि 4 बच्चे हैं? नहीं, पहले से जानकारी नहीं थी। 1 साथ 4 बच्चे? हाँ, नहीं, पहले से जानकारी 3 ही बच्चे का था, 4 बच्चे को नहीं। 1 साथ 4 बच्चे 17 साल के बाद कहीं ना कहीं खुशी घर में हुई है। हाँ, तो खुशी तो थी मगर इतना अति था, मगर खुशी के साथ साथ और भी दिक्कतें हैं हमारे, हम लोगों के साथ में दिक्कत यह है कि हम लोग किसान मजदूर हुए, सब खेती बाड़ी से हम लोग करते हैं, और उसी में अब सब यही सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मिशनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। संगठन को मजबूत बनाने पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंगलवार को जिला भाजपा की ओर से मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर पुष्पार्जन व वंदे मातरम सामूहिक गान से हुआ। कोई बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि सभी कार्यकर्ता जिस विषम परिस्थिति में पार्टी का कार्य कर रहे हैं वह सराहनीय है। निश्चित रूप से हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम चाहे जिला के पदाधिकारी हो या बूथ स्तर के कार्यकर्ता, सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति के कारण हम सभी एक अनुसंधान में बनकर प्रशिक्षण वर्ग को सफल बनाए हैं। देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसकी चर्चा देश सहित विश्व पटल पर हो रही है। ऐसे में यह सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वह सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों से जनमानस को अवगत कराए। आज भारतीय जनता पार्टी जिला की संगठनात्मक बैठक आयोजन किया गया था। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला के पदाधिकारी, हमारे जिले के सभी मंडल अध्यक्ष,
मंडल के प्रभारी और विधानसभा प्रभारी और मोर्चे के अध्यक्ष को शामिल किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बूथ कमेटी के गठन पर था और मुजफ्फरपुर जिले में जो 3225 बूथ हैं उस बूथ पर हम लोगों को मार्च से पहले बूथ कमेटी का गठन 21 सदस्यीय टीम का गठन कर लिया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला हर एक बूथ पर 21 सदस्यीय कमेटी का गठन करेगी और हर बूथ पर हम लोग पन्ना प्रमुख बनाने का भी काम कर रहे हैं। जो पन्ना प्रमुख एक बूथ पर जितने पन्ने होंगे उतने का पन्ने प्रमुख होगा और 21 सदस्य होगा, जिसमें जिस इलाके का वो बूथ होगा वहां पर जिस वर्ग का बाहुल होगा उसके हिसाब से हम लोग इस बूथ कमेटी का गठन करेंगे ताकि आने वाले समय में जब भी चुनाव आए तो बूथ कमेटी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जिताने में कारगर साबित हो। और इसी उपेक्षा के साथ लेकर के हम लोग आज की इस बैठक को बुलाई गई थी। 7/11 तारीख को हम लोगों का समर्पण दिवस है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। नगर थाना क्षेत्र के सोडा गोदाम चौक के समीप मोबाइल लेन देन के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटी को बुरी तरीके से पीटा। नगर थाना क्षेत्र के सोडा गोदाम चौक स्थित मोबाइल लेन देन को लेकर पम्मी देवी और उनकी पुत्री अनिशा कुमारी को दबंगों ने घर में घुसकर जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का आरोप मोहल्ले के ही कैलाश कुमार व उनके परिवार के ऊपर लगाई गई है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों मां और बेटी का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में घायल पम्मी देवी ने बताया कि रात में मेरे बेटे से उनके बेटे ने मोबाइल लिया था, आज सुबह मांगने पर सभी ने हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त घर पर कोई पुरुष नहीं था। इसी क्रम में कैलाश कुमार व उनके दोनों बेटे ने लाठी और डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में वो और उनकी बेटी घायल हो गई हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से बड़ी अधिकारियों से इंसाफ का गुहार लगाई है। रात में मेरा बेटा का मोबाइल ले लिया था तो बेटा कहने किया ना कि मोबाइल मेरा दो, तो वो बोला नहीं मैं नहीं लिया मोबाइल। बस चलो मेरा घर में तो कोई नहीं था, सब फैमिली घुस के हम लोग को घर में मारने लगा। वही मोबाइल के कारण और कुछ नहीं, मोबाइल मेरा बेटा के ले लिया। बेटा सूत के उठा तो बोला कि अरे मेरा मोबाइल दो, तो उसको बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो क्या कर लेगा, तो बोला कि क्या मेरा मोबाइल दे दो नहीं तो हम पापा को बुला रहे हैं। तो ये बोला कि नहीं मोबाइल नहीं देता। हम लोग बोले रे मोबाइल देना दो, तो नहीं हम मोबाइल नहीं देंगे। तो आके घर में घुस गया। हम लोग घर में जेंट्स कोई नहीं रहता, सुबह में सब चल जाता है काम पर, तो घर में सब फैमिली लेडीज जेंट्स सब मिल के हम लोग को घर में घुस गए। कैलाश का दुगो बेटा है, कैलाश का भावो है, कैलाश का बेटी है, सब मिल के मान लें। हाँ मोहल्ला का, मेरे घर का बगल में ही है। नहीं मेरे कोई नहीं, हम तो एक वहाँ मतलब हम लोग को एक जाति राजपूत है, वहाँ सब छोट जात बगल कितने लोग आके आप लोगों को मारे सब दून। कैलाश का दोनों बेटा था, कैलाश का भावो था, कैलाश का बेटी था। डंटा बांस से मारा है कपाट। नहीं मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं, ये लोग देवर मेरा था काम पर जा रहे, हस्बैंड भी चल गए थे, बेटा वही सूत के उठा था, वही एगो बेटा ही। मिठनपुरा स्थित निजी आवास पर सामाजिक लोगों ने गीतकार शिवदास पांडे की 88 जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। प्रेम गीत के हस्ताक्षर गीतकार शिवदास पांडे का 88 जयंती समारोह मनाया गया। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर महेंद्र मधुकर ने कहा कि शिवदास पांडे गीतकार के साथ साथ एक महत्वपूर्ण गद्यकार भी थे। उनकी रचनाओं में जीवन मूल्य की शुभकामनाएं निहित हैं। कहा कि शिवदास पांडे गीतकार के रूप में अनंत काल तक याद किए जाते रहेंगे। उनके तस्वीर पर पुष्प अर्जित कर उन्हें याद किया गया। उनके लिखे गीत को गाकर भी उन्हें याद किया गया। शिवदास पांडे केवल मुजफ्फरपुर नगर के ही कवि, कथाकार, आलोचक और विचारक नहीं रहे हैं, बल्कि एक राष्ट्रीय क्षितिज पर उनका सम्मान रहा है और बड़े पुरस्कारों से भी उन्हें नवाजा गया है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कविता के क्षेत्र में केवल प्रेम की बातें तो वो करते हैं, मगर उसके साथ साथ जो एक सामाजिक विद्रूपता है, सामाजिक यथार्थ है, वास्तविकता है, उस पर भी रोशनी डालते हैं। उनकी दृष्टि व्यापक है और यूं कह सकते हैं आप कि एक सार्वजनीन चिंतन उनकी रचनाओं में मिलता है। प्रकृति के साथ साथ मनुष्य, मनुष्य के साथ साथ उसकी समस्याएं, भीतर की भीतर का चिंतन, बाहर और भीतर का सामंजस्य, ये उनकी रचनाओं की विशेषता है। प्रकृति को भी उन्होंने बहुत समीप से देखा है
और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है कि उनके उपन्यासों में पौराणिकता है, ऐतिहासिकता है, सामाजिकता है, और उसमें आप देखेंगे कि काल को भेद देने वाली जो दृष्टि होती है वह दृष्टि उनमें प्रबल है। फिर उनका जो विचार पक्ष है वो भी तगड़ा है, व्यंग्य भी है, यानी कविता और साहित्य के क्षेत्र की जितनी भी बातें होती हैं वो आचार्य डॉक्टर शिवदास पांडे की रचनाओं में निहित है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूंगा कि वे बहुत जिंदा दिल व्यक्ति थे, उनमें जीवनी शक्ति प्रबल थी। फिर भी व्यक्ति कहीं न कहीं समय से हारता है, मृत्यु से हारता है, लेकिन मैं मानता हूं अंतिम बात कि साहित्यकार कभी नहीं मरता, वो हमेशा वर्तमान में होता है। उसकी रचनाएं, इसलिए आप तुलसीदास के लिए स्वर्गीय शब्द नहीं लगाएंगे। जीरो माइल चौक स्थित निजी होटल के सभागार में जिला सरपंच संघ का चुनाव पर्यवेक्षक के प्रदेश उपाध्यक्ष के निगरानी में चुनाव कराया गया। मंगलवार को जीरो माइल स्थित एक निजी पैलेस में जिला सरपंच संघ का चुनाव पर्यवेक्षक प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह की निगरानी में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से मीनापुर के सरपंच मनोज कुमार सिंह को, जिला अध्यक्ष कांटी के सरपंच दिनेश ठाकुर को, उपाध्यक्ष मुरौल के सरपंच रीमा भारती को महासचिव सहित 7 पदों के लिए मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार सरपंच को चुनाव में न वोटिंग का अधिकार दिया है और ना ही हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार सरकार में एक भी स्थान दिया है। ऐसे में सरपंच अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। श्री पैलेस होटल में जिला सरपंच संघ का की बैठक हुई, जिसमें जिला सरपंच संघ का चुनाव हुआ। सर्वसम्मति से मनोज कुमार सिंह जी मीनापुर अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया जी। साथ ही उपाध्यक्ष श्री दिनेश ठाकुर जी कांटी, सचिव श्री धर्मनाथ शाह जी सरैया, कोषाध्यक्ष श्री शंभू राय साहेबगंज, प्रवक्ता श्री फरद आजम कटरा, संगठन प्रभारी श्री संजीव बिहारी जी। मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है, जिसमें आज हम पे पूरे जिले के पंच और सरपंच विश्वास कर मुझे जिला का अध्यक्ष का पद दिए हैं। और मैं चाहूँगा जी, बोलिए बोलिए, ये जो काल है, जो हम लोगों का कार्यकाल होगा, इसमें अनोखा कार्यकाल साबित करेंगे। प्रदेश से लेकर अपने जिला तक, अपने पंचायत से लेकर प्रखंड तक, जहां भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहां निष्पक्ष होकर सदैव खड़ा रहूंगा। और मैं अपने संगठन के साथ, जो हम लोग उपेक्षित हुए हैं, बिहार सरकार जो हम लोगों को उपेक्षित की हुई है, इस पर मैं सबसे पहला कदम उठाऊंगा। चूँकि हम लोगों को सरपंच बना दिया गया है, पंच मान लिया गया है, न एक वोटिंग का अधिकार है, न हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार सरकार में कोई स्थान दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।